Welcome back. The Modi government's big Ayodhya push continues to be the top focus because this is what we are talking about, a petition that has been filed by the government in the top court seeking permission to return all the excess land that has been acquired to the Ram Janmabhoomi site. And joining us live at this point in time, let me straight away go across and say good morning to Waseem. Rizvi sahab, Shia Waqf board ke chairman, hamare saath live jud chuke hai. Good morning to you, sir. Aap is kadam ko kis tarah se aankhte hain jahan tak Modi sarkar ki taraf se ye writ petition file kiya gaya hai Supreme Court mein? Dekhiye, bahut acha kadam hai. थोड़ा देर से ज़रूर हुआ, देरी की वजह भी हम जायज़ वजह मानते हैं, क्योंकि पूरे देश को ये लग रहा था और सरकारों को भी ये लग रहा था कि जिस तरह से पिछले डेढ़ साल से कोर्ट ने केस को टेकअप करना शुरू किया है, तो हर पेशी पे ये लगता था कि शायद अगली पेशी से अब केस में डे बाय डे हेयरिंग शुरू हो जाएगी और फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं. देर पर देर होती रही, आसरा पे आसरे पे लोग हम लोग रहे, लेकिन आज जो ये बात रखी गई है ये बहुत अच्छी बात है. वो डिस्प्यूटेड लैंड जो जिसके लिए मामला कोर्ट में है, कम से कम उसको छोड़ के जो बाकी जो बहुत बड़ी जमीन है, जो एक्वायर्ड जमीन है मंदिर के लिए, वो कम से कम एंड ओवर होना चाहिए मंदिर निर्माण समिति के को, ताकि क्योंकि राम भव राम मंदिर निर्माण की तैयारी है. क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि आपने तो पहले से ही एडवोकेट करना शुरू किया है और आप पक्ष में हैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के, लेकिन आप ही के दूसरे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो कतई मानता नहीं है इस बात को. वो कहते हैं कि इंतजार करिए जब तक कोर्ट में चलता है हियरिंग, इंतजार करिए जब तक केस चलता है, लेकिन आसपास अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई फिर क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस तरह से उनका अब स्टैंड इस चीज पर आ रहा है कि वो इस अनडिस्प्यूटेड लैंड पर भी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो वहां पर बाबर की मस्जिद जो एक बाबरी कलंक था उसका लड़ाई न लड़के वो उनका विरोध सिर्फ राम मंदिर का है. वो ये नहीं चाहते, ये कट्टरपंथी समाज के लोग जो बाबर के पैरोकार हैं वो वहां पर राम मंदिर के विरोधी हैं, ना कि वो मस्जिद को लेकर किस सीरियस है. क्योंकि मस्जिद का इशू बहुत थोड़ी सी लैंड का है, तो अगर कि जो गैर विवादी, इसका मतलब यह है कि जो गैर विवादी जगह है वहां पर भी मंदिर निर्माण ना शुरू हो, तो ये तो एक बेतुकी बात है. इसको हम साजिश मानते हैं राम मंदिर के खिलाफ, हम इसको नहीं मानते कि ये साफ दिल से अल्लाह के नाम पर भी धोखा कर रहे हैं. अल्लाह के नाम पर भी आप अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके हिंदुओं को छलने की कोशिश कर रहे हो. आप राम मंदिर के जो तुम्हारी नहीं है उस पर भी तुम इस तरह की बातें अगर करते हो कि उसको भी रोका जाए, तो हम ये समझते हैं जायज बात नहीं है. जी, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पहले कहा गया था कि इस्माइल फारूकी जजमेंट के बाद कि जहां जितना एक्सेस लैंड है उसको सरकार सोच सकती है वापस देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम विलंब देख रहे हैं, देरी देख रहे हैं रिजवी साहब, जा एक के बाद एक हियरिंग टलती जा रही है, क्या आपको लगता है उस पर कोई इम्पैक्ट होगा? हाँ, देखिए, अगर कि ये जो रिट सुप्रीम कोर्ट में की गई है जो एक्सेस लैंड है उसको वापस करने की, हम ये समझते हैं कि अगर कि ये चीज़ एक्सेप्ट हो कर लेता है सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से इसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विवाद से कोई मतलब नहीं है. अगर ये दे देता है तो कम से कम निर्माण तो शुरू होगा, निर्माण शुरू होगा, निर्माण वहाँ तक आते आते, जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ तक आते आते अभी कुछ साल तो लग ही जाएंगे, और वहाँ पर जब तक हम आएंगे, हम ये समझते हैं कोर्ट में देर से ही सही फैसला. तो अच्छा, सवाल यह है कि जो बाबर के पक्षकार हैं वो जानते हैं कि अगर ये केस शुरू हो गया तो उनकी हारता है, क्योंकि उनको वहां पर राम जन्मभूमि है, राम मंदिर के प्रमाण मिल चुके हैं, वो पूरी तरह से मुकदमा हारने जा रहे हैं, और जो हारता है वही भागता है. तो इसलिए उन्हीं ने सिर्फ भागने की रणनीति अपना रखी है. वो बाहर आते हैं, कहते हैं कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, लेकिन कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेंगे, कोर्ट में मेरिट पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो फिर फैसला पहले आएगा ही नहीं. इसी पर तो देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन हमें मिलते हैं मोदी सरकार की तरफ से. जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है, अभी दूसरे पक्षधार का क्या रिएक्शन होता है इस पर हम चलाते रहेंगे और बताते रहेंगे अपने सारे दर्शकों को, रिपब्लिक टीवी के साथ जुड़े रहते हैं. फिलहाल आपने हमें अपना वक्त दिया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.